दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मेरे दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं शाहिद आफरीदी, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उनका एक बयान सामने आया है जो हिंदुस्तानी क्रिकेटर गौतम गंभीर को लेकर है। और आपको मालूम होगा, अभी गौतम गंभीर ने दिल्ली से इलेक्शन लड़ा सांसद का, लोकसभा का, और वो जीत भी गए हैं। तो इसी को लेकर शाहिद आफरीदी ने उन पर टिप्पणी की है, बयान दिया है। पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहिद आफरीदी से सवाल किया गया कि हिंदुस्तानी क्रिकेटर गौतम गंभीर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया को तमाम तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए और वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना चाहिए। मेरे दोस्तों, बात यह है, मसला यह है, ये बात गौतम गंभीर ने कही है कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को तमाम तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए, ये बात कही थी। अभी आपको मालूम होगा, हिंदुस्तान के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक को लेकर गौतम गंभीर ने ये बात कही थी। तो यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी से किया गया। तो शाहिद आफरीदी के सामने जब ये सवाल आया और कहा गया कि ये बात गौतम गंभीर ने कही है, तो शाहिद आफरीदी ने गौतम गंभीर को लेकर बड़ी बात कह दी और कहा कि मुझे मालूम है, उन्होंने अभी दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़ा है और लोगों ने उसको वोट दे दिया, उसको जिता दिया। जिसको अकल नहीं है, बेवकूफ़ है वो, बेवकूफ़ है वो और अकल नहीं है। ये बातें शाहिद आफरीदी ने गौतम गंभीर को कही है उस सवाल पर जो उनसे किया गया था, क्या पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच नहीं होना चाहिए और तमाम तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।